जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बनाए थे और कटोरी लेवर ने 134 रन बनाकर विजय हासिल की। 3 विकेटों से मैच को जीता है। अगला मैच हैदरपुरा और सदिकपुर के बीच में अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। गुड इवनिंग दर्शकों, मैं मोहम्मद हुसैन आप सभी का क्रिकेट 360 प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय आनंद जोलीज का आनंद जोलीज में जेपीएल परिवार की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आज के दिन की खेले जाने वाली ये दूसरी मैच जो कि सदिकपुर और हैदरपुरा के बीच में खेले जाने वाली है, जिसके बारे में हमें इकबाल साहब थोड़ा डिटेल एनालिसिस समझाएंगे। तो इकबाल साहब, आप हमें ये दोनों टीम के बारे में बताइए और आज की मैच किस क्या रुख लेगी आपके हिसाब से, वो भी जरा दर्शकों को बताते चले। गुड इवनिंग व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये जो दो टीमें आज का दूसरा मुकाबला खेलने वाली है, तो एक बात तो ये है कि एक तरफ गेंदबाजी है और दूसरी तरफ बल्लेबाजी है। यानी कि हैदरपुरा 11 अपनी बल्लेबाजी के बलबूते पर इस टूर्नामेंट में उतरी है, वहीं सदिकपुर अपनी गेंदबाजी को लेकर उतरी है। यानी बॉल और वर्सेस बैट, इन दोनों का मुकाबला है इन दोनों में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सदिकपुर के पास गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हैदरपुरा के पास नहीं है ये गेंदबाजी, लेकिन ये जो दो टीमें हैं एक अहम खासियत ये है कि एक टीम इस टूर्नामेंट के अंदर हार कर आ रही है और एक टीम इस टूर्नामेंट में एक मैच जीत कर आ रही है। हैदरपुरा जिसने पिछले दिन दशावाड़ा को हराया, और सदिकपुर जो कि सुरपुर के सामने हार कर आ रही है, तो ये अपनी हार को बरकरार रखने की बजाय टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए सदिकपुर को इस मैच को जीतना होगा। वहीं टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग राउंड में आगे बढ़ने के लिए हैदरपुरा अगर ये मैच जीत जाती है तो क्वालिफाइंग राउंड में आगे बढ़ सकती है। तो इसके लिए ये एक ऐसा मुकाबला होगा, टफ मुकाबला होगा, अपनी शाख बचाने के लिए सदिकपुर खेलेगी और इस टूर्नामेंट में अपना परफॉर्मेंस आगे जारी रखने के लिए हैदरपुरा खेलेगी। जी शुक्रिया इकबाल साहब। तो जैसे कि आपने सुना, एक टीम अपनी जीत बरकरार रखने के लिए खेलेगी और दूसरी अपनी जीत मुकम्मल करने के लिए खेलेगी। तो इसी के साथ यह 360 प्रोग्राम खत्म करके फील्ड पे जाते हैं। टॉस हो चुका है इस मैच का, टॉस जीता सदिकपुर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। खेल शुरू होने की तैयारी। हैदरपुरा और सदिकपुर के बीच में आज का यह दूसरा मुकाबला। सदिकपुर के 12th मैन 12वें खिलाड़ी जो भी हो कमेंटर बॉक्स पर आए, सदिकपुर के 12वें खिलाड़ी यहाँ कमेंटर बॉक्स पर आए। तो सदिकपुर ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। खेल शुरू होने जा रहा है। हैदरपुरा की ओर से पहली गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर उछाल लेते हुए हल्के से पुश किया। दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए अपना छोर बदलते हुए पहले रन से खाता खुलता हुआ।
सिराज अहमद की अगली गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर खेला बॉलर ने अपने पोलो थ्रो में, सिराज अहमद बैट्समैन, अच्छी फील्डिंग बॉलर अपने पोलो थ्रो में, कोई रन नहीं। तीसरी गेंद लेकर, अच्छी गेंद उठाकर खेला, वाह फील्डर के पहुंच के बाहर, गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, ओवर पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने उसका भरपूर फायदा उठाया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया गेंद को, चार रन के लिए, चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पांच रन, मेराज हुसैन पहुंचे चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए। फिर से स्ट्रोक खेला ऑफ साइड पर, वाह फील्डर को छकाती हुई अपनी सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, लगातार दूसरा चौका लगता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ नौ रन बिना किसी नुकसान पर, पहले ओवर का खेल जारी, गेंदबाज आए सब्बीर अली, राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद, ऑन साइड पर खेल दिया गेंद को चार रन के लिए, चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन, लगातार तीसरा चौका लगता हुआ मेहराज हुसैन के बल्ले से। शब्बीर अली की आखिरी गेंद पहले ओवर की, फुल टॉस ऑन साइड पर हल्के से खेल दिया, फील्डर दूर, दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़ पड़े, इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति 13 रन। ये मट्टी बातें करती है, जो नए घर की महक से जुड़ जाए तो रिश्तों को प्यार समझाती है, ये मट्टी बातें करती है। पहला इस विद्वान साइड पर खेला, दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़ पड़े, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है, अब सामना करेंगे सिराज अहमद, अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग वन पर, शॉट लॉन्ग में तो फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं रन लेने का, पंद्रह रन बिना किसी नुकसान पर। सदीकपुर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी गेंद ऑफ साइड पर हल्के से पुश कर दिया, फील्डर काफी दूर, दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। कामयाब अली की अगली गेंद और उठाकर खेल दिया है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री के बीच में से 6 रन के लिए, मेहराज हुसैन एक छक्का और तीन चौकों की मदद से 19 के स्कोर पर पहुंचते हुए टीम का स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक लगाया, हवाई हमला किया 6 रन के लिए। कामयाब अली की अगली गेंद फिर से आगे आकर उठाकर खेलना चाहते थे, ना कामयाब रहे, कोई रन नहीं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, 22 रन बिना किसी नुकसान पर। सदीकपुर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते, इस बीच कामयाब अली की अगली गेंद, फुल टॉस, अपने आप को यॉर्क कराया किया बैट्समैन ने, आखिरी वक्त पर पुश किया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद सदीकपुर 22 रन बिना किसी नुकसान पर। Thank you.
शब्बीर अली अपना दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे सिराज अहमद दो अपने निजी दो के स्कोर पर। हल्की हल्की हवा चलती हुई बीच मैदान से, शब्बीर अली फील्डिंग को सजाते हुए डीप स्क्वायर लेग पर तैनात किया बाउंड्री लाइन पर फील्डर को, पांच फील्डर बाउंड्री लाइन पर लगाए हुए शब्बीर अली अच्छी गेंद खेलना चाहते थे नाकामयाब रहे, विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया कोई रन नहीं। 22 रन बिना किसी नुकसान पर शब्बीर अली की अगली गेंद, सामना करेंगे सिराज अहमद अच्छी गेंद अच्छा स्ट्रोक ऑफ साइड पर लेकिन सीधा फील्डर के पास, दोनों बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का मौका, टहलते हुए एक आसानी के साथ रन पूरा किया इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 बिना किसी नुकसान पर। मेहराज हुसैन सामना करेंगे शब्बीर अली का अच्छी गेंद पीछे गए हल्के से पुश किया लेकिन सीधे फील्डर के पास रन लेने का कोई मौका नहीं। काफी शांत मुकाबला चलता हुआ प्रेक्षकों में एक शांति सी छाई हुई। शब्बीर अली की अगली गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर खेला हल्के से अंपायर का इशारा नो बॉल का कमर की ऊंचाई के ऊपर जाता हुआ फ्री हिट का इशारा अंपायर का, दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़ पड़े एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 25 रन बिना किसी नुकसान पर। फ्री हिट का देखने के फायदा उठाते खेलना चाहते थे सही टाइमिंग नहीं कर पाए एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज नेक बाइज का इशारा अंपायर का 26 पर स्कोर पहुंचता हुआ सदिकपुर का। अगली गेंद शब्बीर अली की और उठाकर खेलना चाहते थे कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। आखिरी गेंद बाकी ये तीसरे ओवर की सामना करेंगे मेहराज हुसैन और फिर से खेल दिया वन साइड पर हल्के से टहलती हुई गेंद पहुंची फील्डर के पास दोनों बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का मौका इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। कुरकुरा और चटपटा खट्टा और मीठा नमकीन और तीखा छोटे का बड़े का फ्रेंड्स का फैमिली का बॉस का एम्प्लॉई का तेरा मेरा सबका फेवरेट है आनंद जॉलीज आनंद जॉलीज। हैदरपुरा की ओर से चौथा ओवर लेकर आए हैं कामयाब अली और अपना दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे मेहराज हुसैन 21 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। मेहराज हुसैन 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 पर खेल रहे हैं। सिराज अहमद 6 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन पर और उठाकर खेल दिया है 6 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर आक्रामक स्ट्रोक लगता हुआ काफी देर के बाद स्कोर गया के स्कोर उछलता कूदता हुआ 33 रन इस छक्के की मदद से बिना किसी नुकसान पर। सदिकपुर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ बॉल कोई नहीं
श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि जो कैमरे का जो टावर है, जो खंभा है, उसे दूर बैठे, क्योंकि कैमरा हिलता है तो यहाँ दिक्कत आती है। प्रेक्षकों से निवेदन है कि वो कैमरे के जो खंभे लगे हुए हैं उससे दूर बैठे, उसको हाथ टच न करे, हिलाए नहीं। अगली गेंद कामयाब अली की, अच्छी गेंद, वो पिच ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाया और बाहर निकली। बल्लेबाज उठाकर खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे। 33 रन बिना किसी नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। अगली गेंद, अच्छी गेंद, आगे आए, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के लाइन में आए बिना गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। कामयाब अली की अगली गेंद, सामना करेंगे मेहराज हुसैन। पीछे गए, ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, कहीं सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए कामयाब अली बल्लेबाज को खेलने नहीं दे रहे। अगली गेंद, अच्छी गेंद, ऑन साइड पर हल्के से खेला, मिड विकेट के पास, मिड विकेट की तरफ गई गेंद, फील्डर उठाया, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, आखिरी गेंद इस ओवर की 34 रन बिना किसी नुकसान पर सदीकपुर। कामयाब अली की अगली गेंद और अच्छी गेंद, बहुत सूझबूझ के साथ गेंद डाल रहे हैं कामयाब अली। ओवर की समाप्ति हुई कामयाब अली की, इस ओवर की चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन बिना किसी नुकसान पर। सरमद अली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे मेहराज हुसैन। 28 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर, दो छक्के और तीन चौकों की मदद से खेलते हुए 28 रन पर सरमद अली। अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। गेंद 4 रन के लिए, लीग 22 का इशारा अंपायर का। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन बिना किसी नुकसान पर। सरमद अली की अगली गेंद, बाएं हाथ से गुगली गेंद, अच्छी गेंद, खेला बॉलर ने अपने फोलोत्र में उठाया, कोई रन नहीं। सरमद अली की अगली गेंद, बाया से राउंड द विकेट और उठाकर खेला है गेंद हवा में, वहां फील्डर मौजूद और एक कैच लपकते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर दौड़ कर गए। अच्छा जज किया और ये पहला झटका लगता हुआ सदीपुर के बल्लेबाज को, सदीपुर को पहला झटका लगा 38 के स्कोर पर। अड़तीस रन एक विकेट के नुकसान पर हैदरपुरा के कैंप में कुछ जान आती हुई, पहला सफलता मिलती हुई सरमद अली ने ये सफलता दिलाई हैदरपुरा को। हसन हैदर आए हैं, सिराज अहमद का साथ देने के लिए।
मेहराज हुसैन 28 रन बनाकर आउट हुए। 38 रन में 28 रन का उनका सहयोग रहा। हसन हैदर आए सामना करेंगे। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए हैदरपुरा के गेंदबाज हसन हैदर आए मेहराज हुसैन का स्थान लेने के लिए। अगली गेंद और घूम कर खेला है और सीधा थ्रो स्टंप पे लगा और गेंद गई। एक ओवर थ्रो के रूप में दोनों बल्लेबाज और एक रन पूरा कर लिया और फिर से ओवर थ्रो, तीसरा रन लेते हुए स्कोर 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद सरमद अली की, बाकी पांच गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं और एक सफलता दिलाई है हैदरपुरा को। सरमद अली की अगली गेंद, अच्छी गेंद खेला, सही टाइम नहीं कर रहा, रन आउट का खतरा और वहां ओवर थ्रो किया लेकिन स्टंप पे नहीं लगा। खुद नसीब रहे बल्लेबाज, सीधा थ्रो में ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। सदिकपुर के टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर। ये मट्टी बातें करती है, जो नए घर की महक से जुड़ जाए तो रिश्तों को प्यार समझाती है। ये मट्टी बातें करती है। छठा ओवर लेकर गेंदबाज आए हैं मोहम्मद अली वाधनिया, सामना करेंगे हसन हैदर। दोनों बल्लेबाज 3-3 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। 41 रन एक विकेट के नुकसान पर, छठे ओवर का खेल जारी। मोहम्मद अली वाधनिया राइट आर्म ओवर द विकेट और पटकी गेंद, खेला हवा में गेंद, वहां फील्डर मौजूद, आउट, एम्पायर का इशारा, एक कैच आउट होते हुए दूसरा झटका लगता हुआ सदिकपुर के। पटकी हुई गेंद हवा में उछल लेती हुई गेंद, बल्लेबाज खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद काफी देर हवा में रही, फील्डर उसके नीचे आए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई इस कैच को लपकने में। इस तरह दूसरी सफलता मिलती हुई हैदरपुरा को और दूसरा झटका लगता हुआ सदिकपुर को। मोहम्मद अली आए हैं बैटिंग के लिए, सिराज अहमद का साथ देने के लिए। इकतालीस के स्कोर पर ये दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। मोहम्मद अली की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, नाकामयाब रहे, एक डॉट गेंद जाती हुई। मोहम्मद अली की अगली गेंद और उठाकर खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल का, लेग स्टंप से काफी बाहर। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन दो विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अली वाधनिया गेंदबाजी कर रहे, सामना करेंगे मोहम्मद अली और उठाकर खेला है स्ट्रीक हमारे कमेंटर बॉक्स के ऊपर से 6 रन के लिए, शानदार स्ट्रोक, हवाई स्ट्रोक।
इस 6 रन के साथ खाता खोलते हुए मोहम्मद अली सदिकपुर के स्कोर को 48 पर पहुंचाते हुए रन दो विकेट के नुकसान पर मोहम्मद अली वाधनिया राइट आर्म ओवर द विकेट मोहम्मद अली को फुल टॉस गेंद फिर से खेलना चाहते थे सही तरह के बल्ले पर ले नहीं पाए बल्ले को लगने के बाद वहीं पे गेंद लुढ़की बॉलर ने अपने फॉलो थ्रो में जाके दौड़ते हुए रोका कोई रन नहीं मोहम्मद अली वाधनिया मोहम्मद अली को फिर से उठाकर खेला है गेंद काफी देर हवा में वहां फील्डर इसके नीचे आते हुए और ये कैच लपकते हुए दो फील्डर तीसरे विकेट का पतन होता हुआ सदिकपुर का काफी देर हवा में रही गेंद फील्डर को नीचे आने में काफी वक्त मिला मोहम्मद अली को मिलने वाली दूसरी सफलता 5 गेंदों में 7 रन खर्च कर 2 विकेट इस ओवर इसके बाद ड्रिंक्स टोली जाएगी बीच मैदान में 6 ओवर के बाद आखिरी गेंद सामना करेगा सनली फिर उठाकर खेल दिया है सीधे हमारे कमेंटर बॉक्स के सामने 6 रन के लिए पर 6 रन से खाता खोलते हुए सनली और अपनी टीम का स्कोर को 50 के पार पहुंचाते हुए 54 रन 50 पूरा 6 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर सदिकपुर ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान में जाती हुई JPL 2022 टाइटल स्पॉन्सर नोवाज रेस्टोरेंट बैंकवेट भरूच एंड 440 हेडगेयर प्राइवेट लिमिटेड वाघरोल मीडिया पार्टनर है सफिया अवे ऑफ लाइफ को स्पॉन्सर है ओरिजोन एंड एनर्जोन सिद्धपुर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर अंपायर यूनिफॉर्म स्पॉन्सर है यादगार होजियरी छापी एंड अहमदाबाद सदिकपुर टीम के स्पॉन्सर है आनंद झोले क्या आप दुनिया के 130 करोड़ व्यसन करने वाले लोगों में से एक है तंबाकू का सेवन करने वाले 50% लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है किसी भी मात्रा में तंबाकू स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है तंबाकू के सेवन से पूरी दुनिया में हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है 15 साल और उससे अधिक उम्र के 29% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं भारत में होने वाले कैंसर में से 27% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं ये सब जानकारी से हम जान सकते हैं कि तंबाकू का सेवन हमारी समझ से कहीं ज्यादा हानिकारक है तो आओ इस गुलामी की जंजीर को अपने हाथों से तोड़े और खुद को स्वस्थ और नशा मुक्त जिंदगी से जोड़े क्या आप दुनिया के 130 करोड़ व्यसन करने वाले लोगों में से एक है तंबाकू का सेवन करने वाले 50% लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है किसी भी मात्रा में तंबाकू स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है तंबाकू के सेवन से पूरी दुनिया में हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है 15 साल और उससे अधिक उम्र के 29% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं भारत में होने वाले कैंसर में से 27% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं ये सब जानकारी से हम जान सकते हैं कि तंबाकू का सेवन हमारी समझ से कहीं ज्यादा हानिकारक है तो आओ इस गुलामी की जंजीर को अपने हाथों से तोड़े
और खुद को स्वस्थ और नशा मुक्त जिंदगी से जोड़ें। तीन चौके होटल नवस, जहां उम्दा आतिथ्य होता है वहां अधिक शब्दों की जरूरत नहीं रहती। उम्दा आतिथ्य के पर्याय समान उच्च श्रेणी की सुसज होटल नवस गुजरात के भरूच जिले में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर भरूच क्रॉस रोड के पास स्थित है। गुजरात राज्य के व्यापार एवं परिवहन में नेशनल हाईवे नंबर 8 का महत्वपूर्ण योगदान है। होटल नवस अपने आप में डिजाइन, आधुनिक आर्किटेक्चर और एक छत के नीचे उपलब्ध विभिन्न प्रकार की आतिथ्य सेवाओं का सुपर समन्वय है। हसन अली 6 रन बनाकर खेल रहे और सिराज अहमद 3 रन बनाकर खेल रहे। ब्रेक के बाद अब खेल शुरू होने जा रहा है। ब्रिंक्स के पहले के आखिरी गेंद पर छक्का लगाया हसन अली ने और ब्रिंक्स के बाद का खेल अब शुरू होने जा रहा है। सरमद अली आए, अपना दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे सिराज अहमद। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक सीधे फील्डर के पास और ड्रॉप्स होता हुआ कैच। एक आसान सा मौका था, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। सरमद अली की अच्छी गेंद थी, ललचाती हुई, बल्लेबाज खेले, टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद काफ़ी देर हवा में रही लेकिन वहाँ ड्रॉप करते हुए फील्डर। सरमद अली की अगली गेंद, सामना करेंगे हसन अली। फुल टॉस ऑन साइड पर खेल दिया है 6 रन के लिए, ये लगा दूसरा छक्का निकला हसन अली के बल्ले से। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। दो गेंदों में 2 छक्के लगाकर 12 पर खेल रहे हसन अली। सरमद अली फुल टॉस गेंद दी और उसका भरपूर फायदा उठाया हसन अली ने। सरमद अली की अगली गेंद बाएं हाथ से, वो फिर से स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए, एक बाउंस के बाहर, सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, एक बाउंस के बाहर 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन। शानदार बल्लेबाजी करते हुए हसन अली 3 गेंद में 16 पर खेल रहे, एक चौका 2 छक्कों की मदद से। सरमद अली की अगली गेंद और काफी बाहर ऑफ स्टंप से, सीधे बल्लेबाज खेलने के लिए बाहर निकले, सीधी रहती हुई, शायद बल्लेबाज वाइड को समझकर छोड़ा लेकिन एम्पायर ने उसको घोषित नहीं किया। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। सरमद अली की अगली गेंद और फिर से उठाकर खेला, मिड विकेट पर गई, फील्डर ने उठाया, दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66। सातवें ओवर का खेल जारी, सातवें ओवर के आखिरी गेंद सरमद अली की, अच्छी गेंद, सीधा खेला, लॉन्ग ऑन पर आई, गेंद फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ टहलते हुए एक रन पूरा किया ओवर की समाप्ति। श्रोताओं से निवेदन है कि बाउंड्री लाइन से दूर बैठे और जो कैमरे के घंपे लगे हैं उससे दूर बैठे, उसको हिलाए नहीं। और जो श्रोता देर से मैदान में आए उनके लिए बता दूं कि सदीक फोटो जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है और उठाकर खेल दिया है, काफ़ी देर हवा में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक
सिराज अहमद के बल्ले से काफी देर बाद एक आक्रामक स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के रूप में, इस 6 रन के साथ सिराज अहमद पहुंचे 11 पर, टीम का स्कोर 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अली वादनिया अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं, 2 विकेट सफलता पहली ओवर में उन्होंने प्राप्त की है। सिराज अहमद सामना करेंगे मोहम्मद अली की अगली गेंद का, 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद फिर से उठाकर खेला है, वहां फील्डर मौजूद है, एक टप्पा खाने के बाद सीधी फील्डर के हाथ में गई, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 3 विकेट के नुकसान पर। हसन अली दसाड़िया 17 के अपने निजी स्कोर पर सामना करेंगे मोहम्मद अली का। लॉन्ग ऑन बाउंड्री से फील्डर को थोड़ा मिड विकेट की तरफ खिसकाते हुए अगली गेंद और उठाकर खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 8वीं ओवर का खेल जारी, फिर से उठाकर खेल दिया है काफी दूर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रन के लिए। आक्रामक तेवर अपनाते हुए सदीक पूर के बल्लेबाज ड्रिंक्स के बाद काफी आक्रामक होते हुए इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ 80 और हसन अली तीसरा छक्का लगाते हुए अपने स्कोर को 23 पर पहुंचाते हुए, एक चौका और 3 छक्कों की मदद से हसन अली खेल रहे 23 रन पर और सिराज अहमद 1 छक्के की मदद से 12 पर खेलते हुए। अगली गेंद मोहम्मद अली वाधनिया हसन अली को, अच्छी है वो फुल टॉस बनाकर वन साइड पर खेल दिया, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए उछल कर रोकी गेंद को, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81। आखिरी गेंद बाकी, 8वें ओवर की आखिरी गेंद, मोहम्मद अली फुल टॉस भरपूर फायदा उठाया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद सदीकपुर का स्कोर 87 3 विकेट के नुकसान पर। हसन अली के शफिया मद अलग अलग फूलोवाड़ा बगीचाओं माथी एकत्र करवामां आवतुं होवाथी तेमा फूलोनो फ्लेवर अने 100% प्योर मद होय छे। स्वाद शुद्धता अने गुणवत्ता एवी के दिल बोले शफिया हनी, शफिया वे ऑफ लाइफ। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 8-8 बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ 9वें ओवर लेकर आए मोहम्मद अली वाधनिया अपना तीसरा ओवर लेकर, सॉरी शब्बीर अली आए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर और हैदरपुरा की ओर से 9वां ओवर। ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद वन साइड पर खेला, वहाँ फील्डर मौजूद थे, 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलते हुए।
इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 तीन विकेट के नुकसान पर। शब्बीर अली की अगली गेंद, सामना करेंगे सिराज अहमद। ऑन साइड पर खेल दिया है, कोई मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, चार रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। इस चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92 पे पार्किंग में जे भाई नी जी जे 18 BA 16 90 जे गाड़ी छे ए सेंट्रो गाड़ी छे जे जे 18 BA 16 90 नड़तर रूप छे तो त्यांथी हटावे। इस बेज अगले गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद 6 रन के लिए, काफी आक्रामक स्ट्रोक लगाते हुए पहले चौका इसके बाद ये छक्का लगाते हुए अब सदीकपुर अपने स्कोर को 100 के पार पहुंचाती हुई। स्कोर 98 पर पहुंचा सदीकपुर का स्कोर 98 लॉस ऑफ 3 विकेट। सिराज अहमद 28 के स्कोर पर पहुंचे और हसन अली दसाड़िया 25 पर पहुंचते हुए। सिराज अहमद काफी शुरुआत में संभल कर खेल रहे थे, अपनी आंखें को सही जमाए और इसके बाद आक्रामक स्ट्रोक खेलना शुरू किया है। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, हल्के से ऑफ साइड पर खेला, वहां फील्डर मौजूद लेकिन दोनों बल्लेबाज को एक रन से नहीं रोक पाए। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन तीन विकेट के नुकसान पर। नो बॉल का इशारा ठीक है, नो बॉल फ्री हिट का इशारा एम्पायर का, देखना है कि सिराज अहमद उसका कितना फायदा उठाते हैं। शब्बीर अली के अगली गेंद, खेलना चाहते थे सही टाइमिंग पर नहीं खेल, टाइमिंग नहीं कर पाए। आखिरी गेंद शब्बीर अली की, चार गेंद हुई सॉरी, सौ रन तीन विकेट के नुकसान पर सदीकपुर। फिर से अच्छी गेंद और बोल्ड हुए, बहुत अच्छी गेंद शब्बीर अली की, बोल्ड कर दिया सिराज हसन अली दसाड़िया को। इस तरह 25 रन पर अपनी इनिंग का खात्मा होता हुआ शब्बीर अली को मिलने वाली ये सफलता 100 के निजी स्कोर पर। चौथा विकेट का पतन होता हुआ 52 रनों की पार्टनरशिप इन दो बल्लेबाजों के बीच में हुई। तीसरा विकेट का पतन था, अड़तालीस के स्कोर पर ये दोनों बल्लेबाज 52 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए। इस साझेदारी को तोड़ने में शब्बीर अली को कामयाबी मिली। 9वें ओवर का खेल जारी, आखिरी गेंद 9वें ओवर की, अच्छी और बोल्ड, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए साकिर अली और ओवर की समाप्ति। शब्बीर अली हैट्रिक पर आए लेकिन बदकिस्मती इस मैच टूर्नामेंट में उसकी सॉरी इस मैच में अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, जब अगली मैच होगी तो उनके लिए एक हैट्रिक का चांस रहेगा। 100 के स्कोर पर कुरकुरा और चटपटा, खट्टा और मीठा, नमकीन और तीखा, छोटे का बड़े का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, बॉस का, एम्प्लॉय का, तेरा मेरा सबका फेवरेट है आनंद जॉलीज। आनंद जॉलीज पूरा कहां तक सदीकपुर को रोक के रखता है। नो ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर कामयाबी आए अपना तीसरा ओवर लेकर। सिराज अहमद सामना करेंगे 29 के अपने निजी स्कोर पर, जो तीन छक्के एक चौका लगाकर खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप पर
और बाहर निकलती हुई, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101 रन। कामयाब अली दो ओवर में 16 रन खर्च कर चुके हैं और कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बीच अगली गेंद बल्लेबाज ने खेल दिया ऑन साइड पर, सीधे फील्डर के पास, बाउंड्री लाइन पर तैनात थे लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। कामयाब अली की अगली गेंद और अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर उठा कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया और वापस पहुंचाया बॉलर को, गेंद को। 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कामयाब अली की अगली गेंद, सामना करेंगे आए नए बल्लेबाज आबिद अली और अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास। जब तक गेंद फील्डर उठाते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। सदिकपुर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद कामयाब अली की पटकी हुई गेंद हवा में, ऑफ साइड पर खेला, बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए वहाँ फील्डर लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 104 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद आबिद अली को उठाकर खेला स्ट्रेट सीधे फील्ड पर, ड्रॉप हुआ ठीक हमारे कमेंटर बॉक्स के सामने। उठाकर खेला था, वहां फील्डर मौजूद थे लेकिन कैच लेने में नाकामयाब रहे और एक जीवदान मिलता हुआ आबिद अली को। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन। अगली गेंद ओवर पिच बनाकर खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का, ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की तरफ जाती हुई। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 106 रन। कामयाब अली की आखिरी गेंद, सामना करेंगे सिराज अहमद 31 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, वाह उछाल कर खेल दिया फील्डर सर्कल के अंदर, उनके सर के ऊपर से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ओवर की समाप्ति हुई, 10 ओवर की समाप्ति के बाद सदिकपुर का स्कोर 110 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अपना कोटे का ओवर पूरा करते हुए 25 रन खर्च किए। शब्बीर अली ने 3 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट हासिल की। अब नए गेंदबाज आए हैं सरमद अली अपना तीसरा ओवर लेकर, इसके पहले 2 ओवर में 16 रन खर्च किए हैं, एक कामयाबी हासिल की है। सामना करेंगे आबिद अली मानसिया सरमद अली की गेंद का। फील्डिंग सजाने के बाद खेल शुरू होता हुआ
ग्यारहवें ओवर की पहली गेंद लेकर आए सरमद अली अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर। सामना करेंगे आबिद अली, बाएं हाथ से खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारे लिया, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद गई, पीछे फील्डर मौजूद थे लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे सिराज अहमद, वन साइड पर घूम कर खेल दिया है 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस चौके के साथ सिराज अहमद पहुंचे 39 पर। उठा कर खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे कामयाब अली, बल्लेबाज आक्रामक स्ट्रोक खेलने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है लेकिन उसको चकमा देकर फिर से उठा कर खेला, मिड विकेट पर गई गेंद, फील्डर मौजूद एक रन के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सरमद अली की अगली गेंद, सामना करेंगे आबिद अली, उठाकर खेला है गेंद, वह फील्डर मौजूद, उछल कर रोकना चाहते थे लेकिन उनके सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 122 रन 122 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर का खेल जारी, आखिरी गेंद, आबिद अली ने छक्के के साथ अपना स्कोर को 9 पर पहुंचाया और फिर से लगाता दूसरा छक्का वही जगह पर। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 128 रन ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सरमद अली 3 ओवर का अपना कोटा पूरा किया, 34 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल की। आखिरी 6 गेंदें फेंकी जानी बाकी, सदिकपुर टॉस जीतने के बाद 128 रन बना लिए हैं 11 ओवर की समाप्ति के बाद, आखिरी ओवर का खेल बाकी। देखना है सिराज अहमद 50 पूरे कर पाते या नहीं, और 6 गेंदों का खेल बाकी, 128 रन सदिकपुर 5 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे सिराज अहमद अपने व्यक्तिगत 40 के स्कोर पर। गेंद और बल्ले के बीच एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ आखिरी मरहले में पहुंचता हुआ आखिरी ओवर की पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड हुए यॉर्कर लाइन गेंद फेंकी, सिराज अहमद को कोई मौका नहीं, वो खेलना चाहते थे, सीधी घुस गई स्टंप के अंदर। इस तरह सिराज अहमद की इनिंग का खात्मा होता हुआ ये मोहम्मद अली वाधनिया को मिलने वाली तीसरी सफलता है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद अली, और ये 6 विकेट का पतन हुआ सदिकपुर के। एक सौ अट्ठाईस रन 6 विकेट के नुकसान पर। इमदाद हुसैन आए हैं बैटिंग के लिए, एक सौ अट्ठाईस रन 6 विकेट के नुकसान पर, 5 गेंदें फेंकी जानी बाकी। इमदाद हुसैन सामना करेंगे मोहम्मद अली वाधनिया का, कामयाब
बॉल और 3 सफलता हासिल की है। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, खेल दिया मिड विकेट की तरफ। दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए दौड़ पड़े। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 129 रन, 129 लॉस ऑफ 6 विकेट इन प्रोग्रेस ऑफ 12th ओवर। आखिरी 4 गेंदें फेंकी जानी बाकी। अच्छी गेंद थी, फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे। आखिरी 3 गेंद बाकी। अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती हुई इस बीच मैदान में, क्रिकेट के लिए एक अच्छा खुशनुमा हवामान। ऑफ स्टंप पर और वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अली वाधनिया, अच्छी गेंद खेलना चाहते उठाकर, लेकिन गेंद नीचे रही, मिड विकेट की तरफ गई। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 132 रन। आखिरी 2 गेंदें 131 रन। आखिरी 2 गेंद उठाकर खेला है, गेंद हवा में, नीचे फील्डर आ रहे हैं, देखना है लपक पाते नहीं, और ये ड्रॉप, ये लगाता ये और वो थ्रो किया, लेकिन एक अच्छा कैच ऊंचा हवा में, दूसरा ड्रॉप करते हुए फील्डर। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 133 रन। आखिरी गेंद इस मैच की सदिकपुर के लिए, आखिरी गेंद हल्के से खेला, 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। इस तरह सदिकपुर अपने कोटे की 12 ओवर खेलते हुए 134 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अगली मैच में 134 का टारगेट था। इस मैच के लिए सदिकपुर ने हैदरपुरा के सामने 135 रनों का लक्ष्य रखा है। टॉस जीतने के बाद सदिकपुर पहले बल्लेबाजी करते हुए, सिराज अहमद ने 40 रन बनाए, मेहराज हुसैन 28 रन बनाकर आउट हुए, हसन हैदर 3 रन बनाए, मोहम्मद अली 6 रन बनाए, हसन अली ने 25 रन बनाए, साकिर अली ने बिना खाता खोले आउट हुए, आबिद अली 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इमदाद हुसैन 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे, सबिर अली 3। क्या आप दुनिया के 130 करोड़ व्यसन करने वाले लोगों में से एक है? तंबाकू का सेवन करने वाले 50% लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है। किसी भी मात्रा में तंबाकू स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। तंबाकू के सेवन से पूरी दुनिया में हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है। 15 साल और उससे अधिक उम्र के 29% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में होने वाले कैंसर में से 27% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। ये सब जानकारी से हम जान सकते हैं कि तंबाकू का सेवन हमारी समझ से कहीं ज्यादा हानिकारक है। तो आओ इस गुलामी की जंजीर को अपने हाथों से तोड़े और खुद को स्वस्थ और नशा मुक्त जिंदगी से जोड़े। JPL 2022 टाटा स्पॉन्सर नोवास रेस्टोरेंट बैंकवेट भरूच 440 हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड वागरोल मीडिया। होटल नोवास, जहां उम्दा आतिथ्य होता है वहां अधिक शब्दों की जरूरत नहीं रहती। उम्दा आतिथ्य के पर्याय समान उच्च श्रेणी की सुसज होटल नोवास गुजरात के भरूच जिले में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर भरूच क्रॉस रोड के पास स्थित है। गुजरात राज्य के व्यापार एवं परिवहन में नेशनल हाईवे नंबर 8 का महत्वपूर्ण योगदान है। होटल नोवास अपने आप में डिजाइन, आधुनिक आर्किटेक्चर और एक छत के नीचे उपलब्ध विभिन्न प्रकार की आतिथ्य सेवाओं का सुपक समन्वय है।
प्रेक्षकों से अनुरोध है कि जो एडवर्टाइज के जो बाउंड्री लाइन पर बोर्ड लगे हैं उनके पीछे बैठे और उसको नुकसान न करें। जो स्पॉन्सर किए हुए वो लोग तो उनकी एडवर्टाइज होनी लाजमी है, तो उसके पीछे बैठे और उसको नुकसान न पहुंचाए। हैदरपुरा 11 के दो सलामी बल्लेबाजों को भेजे ताकि जल्दी से मैच शुरू हो। दोनों एम्पायर बीच मैदान में जाते हुए, अब खेल थोड़ी देर में शुरू होगा। जो श्रोता देर से आए हुए उनके लिए क्या आप दुनिया के 130 करोड़ व्यसन करने वाले लोगों में से एक है? तंबाकू का सेवन करने वाले 50% लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है। किसी भी मात्रा में तंबाकू स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। तंबाकू के सेवन से पूरी दुनिया में हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है। 15 साल और उससे अधिक उम्र के 29% भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में होने वाले कैंसर में से 27% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। ये सब जानकारी से हम जान सकते हैं कि तंबाकू का सेवन हमारी समझ से कहीं ज्यादा हानिकारक है। तो आओ इस गुलामी की जंजीर को अपने हाथों से तोड़े और खुद को स्वस्थ और नशा मुक्त जिंदगी से जोड़े। खेल शुरू होने जा रहा है। हसन अब्बास पहली गेंद लेकर सामना करे कामयाब अली, अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं। कामयाब अली और सब्बीर अली के रूप में दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज। हसन अब्बास की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर बाहर, कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन विश्वास ज्यादा उत्साह ज्यादा विश्वास कम, इसका एम्पायर पर कोई असर नहीं, नकार दिया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हसन अब्बास, कामयाब अली सामना कर रहे हसन अब्बास का। अच्छी गेंद, हल्के से वन साइड पर खेला, बॉलर ने जाके दौड़ते हुए अपने फॉलो थ्रो में गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। कामयाब अली जो गेंदबाज है, सबीर भी गेंदबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। ऑफ साइड पर खेल दिया गेंद, फील्डर के पास से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं चार रन के लिए। इस चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, चार रन खाता खुलता हुआ हैदरपुरा और कामयाब अली का, दोनों का इस चार रन के साथ स्कोर चार बिना किसी नुकसान पर। चार गेंदें हुई हैं, और
दोनों एम्पायर बीच मशविरा करते हुए कोई नुकसान नहीं, नॉट आउट। स्टंपिंग किया था एम्पायर ने, फिर विकेट कीपर ने। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, खेला है गेंद हवा में, वहां फील्डर मौजूद है और एक अच्छा सा कैच लपका। पहली सफलता मिलती हुई सदीकपुर को और कामयाबली आउट हुए 4 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। 5-4 रन पर पहला झटका लगता हुआ हैदरपुरा को। 4 रन बनाए कामयाबली और आउट हुए हसन अब्बास की गेंद पर। मिड ऑफ पर आउट, कैच आउट हुए। आबिद अली दसाड़िया ने कैच लिया। एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट बॉलर आए हैं शब्बीर अली एम सुनसरा, नए साकिर अली गेंद लेकर आए हैं, सामना करेंगे शब्बीर अली। अच्छी गेंद, डॉट गेंद जाती हुई साकिर अली की। सदीकपुर के खेमे में कुछ सा, पहली ओवर में उनको सफलता हासिल हुई 135 रनों का तोतिंग लक्ष्य और पहली सफलता जहां मिली 4 के स्कोर पर। सदीपुर के सभी फील्डरों की बॉडी लैंग्वेज बदलती हुई एक उत्साह में। 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शब्बीर अली सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, हल्के से ऑफ साइड पर खेला सीधे फील्डर के पास, लेकिन सीधा फील्डर के पास गई, तेज गई, रन लेने का कोई मौका नहीं। दोनों शब्बीर अली बल्ले बीच मैदान में, शब्बीर अली और शब्बीर अली एम सामना करेंगे शब्बीर अली साकिर अली का। ऑफ साइड पर हल्के से पुश किया लेकिन सीधे फील्डर के पास कोई रन नहीं। सभी फील्डर अपने बॉलर का उत्साह बढ़ाते हुए। साकिर अली ने अभी 4 गेंदें फेंकी है, अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया है। साकिर अली की अगली गेंद, शब्बीर अली को ऑफ स्टंप पर गेंद, तेज करारा स्ट्रोक लगाया लेकिन सीधा फील्डर के पास कोई रन नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए सदीकपुर के सभी फील्डर, कोई मौका नहीं दे रहे हैदरपुरा के बल्लेबाज को रन लेने के लिए। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, शायद मैडन जाता हुआ आखिरी गेंद। अच्छी गेंद, घूमकर खेलना चाहते थे, बैट और बल्ले का संगम नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति, मैडन ओवर जाता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन हैदरपुरा, 135 रनों का जो लक्ष्य दिया है सदीकपुर ने उसका पीछा करते हुए। JPL 2022 टाइटल स्पॉन्सर है नोवाज रेस्टोरेंट बैंकवेट भरूच, 440 हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बागरोल। मीडिया पार्टनर्स है सफिया अवे ऑफ लाइफ। को स्पॉन्सर है ओरिजोन एंड एनर्जोन सिद्धपुर। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर अंपायर। यूनिफॉर्म स्पॉन्सर है यादगार होजरी एंड हैंडलूम छापी एंड अहमदाबाद।
तीसरे ओवर का खेल जारी। हसन अब्बास आए अपना दूसरा ओवर लेकर, सामना करेंगे शब्बीर अली एम। ऑफ स्टंप से बाहर हल्के से पुश किया, वहाँ फील्डर के सर एक बाउंस खा के बाद फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई। इस बीच दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हसन अब्बास की अगली गेंद का सामना करेंगे शब्बीर अली। अपना दूसरा ओवर लेकर आया हसन अब्बास, पहली ओवर में 4 रन खर्च कर 1 विकेट हासिल की थी। अगली गेंद, अच्छी गेंद, वाइट बॉल एम्पायर ने घोषित किया, शायद विकेट कीपर को लग कर स्टंप में आई गेंद। बहुत अच्छे अंपायरिंग का प्रदर्शन करते हुए बहुत अच्छी विकेट की एम्पायरिंग करते हुए अगली गेंद ऑन साइड पर घूम कर खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए लेग स्टंप पर मिली और बल्लेबाज ने घूम कर स्क्वायर लेग पर खेला गेंद को, डीप स्क्वायर लेग पर एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर गई। ये 4 रन के साथ स्कोर डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन हैदरपुरा का 1 विकेट के नुकसान पर। शब्बीर अली ने चौके से खाता खोलते हुए फिर से ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल का, लेग स्टंप से बाहर। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हसन अब्बास की अगली गेंद ओवर पिच ऑफ साइड पर खेला, फील्डर वहां मौजूद, जब तक फील्ड करते बॉलर को देते तब तक दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर हैदरपुरा 135 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। फुल टॉस गेंद खेल उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले पर नहीं आई, बाल बाल बचे शब्बीर अली। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरे ओवर का खेल जारी। हसन अब्बास की अगली गेंद, अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे नाकामयाब रहे, डॉट बॉल जाती हुई आखिरी बॉल तीसरे ओवर की। बारह रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक लेकिन सीधा फील्डर के पास, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के लिए ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर हैदरपुरा। सदिकपुर के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए, हैदरपुरा को विजय के लिए 135 रनों का लक्ष्य दिया है। इस 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बना लिए हैदरपुरा ने। उनका जो करंट रन रेट है 4.33 के औसत से खेल रहे हैं, रिक्वायर रन रेट काफ़ी बढ़ चुकी है, 13.5 रन प्रति ओवर उनको बनाने होंगे। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक ऑफ साइड पर, फील्डर बाउंड्री लाइन पर थे, रोकने की कोशिश की, कोई मौका नहीं, 4 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग के साथ ग्राउंड शॉट लगाया, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। शब्बीर अली 6 रन पहुंचे इस चौके के साथ। अगली गेंद और गेंद खेला है हवा में, वह फील्डर दौड़ कर जा रहे हैं, नहीं पहुंच पाए और नहीं रोक पाए। अगर भाई खड़े होकर रोकते तो अपनी टीम के लिए रन बचा सकते, लेकिन कैच लेने की कोशिश में गेंद हाथ में नहीं आई,
और सीमा रेखा के बाहर जाते हुए चार रन के लिए। ये चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। थोड़ा गति पकड़ते हुए हैदरपुरा के बल्लेबाज रनों की जो औसत को बढ़ाने की कोशिश। इस बीच अगली गेंद वो आउट हुए। ये मट्टी बातें करती है, जो नए घर की महक से जुड़ जाए तो रिश्तों को प्यार समझाती है। ये मट्टी बातें करती है। सदीकपुर को मिलने वाली दूसरी सफलता, साकिर अली को मिलने वाली ये पहली सफलता। साकिर अली आउट हुए, स्टंप हुए। साकिर अली की अगली गेंद, सामना करेंगे अकबर हुसैन। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर सही रोक नहीं पाए। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अगर हैदरपुरा को इस मैच को जीतना है तो एक आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। 135 रनों का लक्ष्य है। अगली गेंद साकिर की, उठाकर खेल दिया ठीक हमारे कमेंटर बॉक्स के सामने 6 रन के लिए। मोहम्मद करीम ड्रॉप करते हुए बाउंड्री बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर कैच कर रहे थे मोहम्मद करीम, लेकिन ड्रॉप किया 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। अकबर हुसैन ने 6 रन से खाता खोलते हुए अपना। अगली गेंद फिर से अच्छा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन सही टाइमिंग नहीं हुआ। फील्डर ऑफ साइड पर गई, गेंद खेलना चाहते ऑन साइड पर गई, ऑफ साइड पर 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। साकिर अली की अगली गेंद, शब्बीर अली को लेग स्टंप से बाहर, उठाकर खेलना चाहते थे, हवा में रही गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, आउट। तीसरा झटका लगता हुआ हैदरपुरा को। घूमकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, गेंद हवा में गई और पहले से ही फील्डर को वहाँ तैनात किया हुआ था सदीकपुर के कप्तान ने, और उनको कैच लपकने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरह 4 ओवर की समाप्ति के बाद कैच आउट हुए। उनतीस रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रनों की जरूरत है हैदरपुरा को 48 गेंदों में। बॉलर को आए साकिर अली, आबिद अली आए गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे अकबर हुसैन, 7 रन पर खेल रहे। ऑफ स्टंप पर टपा खाई गेंद, अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में और एक बहुत अच्छा फील्ड, गेंद को लपका और फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए पलटी खा गए और एक कैच को अच्छी तरह लपका। इस तरह ये चौथी सफलता मिलती हुई सदीकपुर को। सदीकपुर के कैंप में काफी उत्साह, लगातार सफलता मिलती जा रही है। चौथी सफलता मिलती हुई सदीकपुर को और चौथा झटका लगता हुआ हैदरपुरा को।
सिर्फ 29 रन पर चौथे विकेट गिरती हुई हैदरपुरा की। बहुत अच्छा कैच लिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। हसन हैदर ने अच्छा कैच लिया। आबिद अली की अगली गेंद, अच्छी गेंद, आखिरी वक्त पर बल्ले को नीचे लाए और गेंद को स्टंप पे जाने से रोका। कौन 134 रन। आबिद अली की अगली गेंद, अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खेला, वहां फील्डर मौजूद। एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवे ओवर का खेल जारी। काफी सुस्त बल्लेबाजी करते हुए हैदरपुरा के बल्लेबाज 4 विकेट गवा चुके हैं और 30 रन सिर्फ बनाए हैं। लेग स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का। इस एक रन अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, 31, 4 विकेट के नुकसान पर। 134 रनों का जो लक्ष्य है उसके दबाव में आते हुए हैदरपुरा के बल्लेबाज नई रन बना पा रहे, नई विकेट बचा पा रहे। हल्के से पुश किया ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के पास गई। दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अगर हैदरपुरा को इस मैच में वापसी करनी है तो एक आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। काफी बड़ा लक्ष्य है। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन गेंद फेंकी, बैट्समैन ने आखिरी वक्त अपने बल्ले को नीचा लाए, खेले लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने उठाया एक रन के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, लेग स्टंप से बाहर, घूमकर खेलना चाहते थे और ओवर की समाप्ति। 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। कुरकुरा और चटपटा, खट्टा और मीठा, नमकीन और तीखा, छोटे का, बड़े का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, बॉस का, एम्प्लॉय का, तेरा मेरा सबका फेवरेट है आनंद जॉलीज। आनंद जॉलीज। सादिकपुर के ओवर से छठा ओवर लेकर और अपना पहला ओवर लेकर मेहराज हुसैन, अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे, सही तरह खेल नहीं पाए। लेग स्टंप हाँ सब दूर, लेग स्टंप खेल थोड़ी देर रुका हुआ। मेहराज हुसैन आए गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे एहसान अली। हैदरपुरा 135 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बना लिए हैं। 4 विकेट गवाकर जो अगली गेंद, अच्छी गेंद, सही टाइमिंग नहीं कर पाए, दूर दूर फील्डर फैले हुए, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 4 विकेट के नुकसान पर। काफी सुस्त बैटिंग करते हुए हैदरपुरा के बल्लेबाज, वन साइड पर घूमकर खेल दिया है, कोई फील्ड, वहां फील्डर मौजूद है, बाउंड्री लाइन पर मिस फील्ड हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। पैंतीस रन,
चार विकेट के नुकसान पर मेहराज हुसैन और उठाकर खेल दिया सिख हमारे कमेंटर बॉक्स के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। ये ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत है हैदरपुरा को अगर इस मैच में वापसी करनी है तो। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और एहसान अली ऐसी इनिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते, देखना है अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, कितना विश्वास जताते अपने टीम के लिए और कप्तान के लिए। अच्छा स्ट्रोक लगाया था एहसान अली ने, इस 6 रन के साथ 9 पर पहुंचे, टीम को पहुंचा 41 रन। फिर से उठाकर खेल दिया है सही में लंबा छक्का, ऑफ स्टंप के बाहर था गेंद, उसको लपेट कर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेज दिया गेंद 6 रन के लिए। कुछ उत्साह और आशा जगाते हुए एहसान अली अपनी टीम के लिए स्कोर को पहुंचाया 47 रन। छठे ओवर का खेल, आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी छठे ओवर की। अगली गेंद, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर खेला है और आउट होते हुए एहसान अली 2 छक्के लगाने के बाद ऑफ साइड पर लपके गए। ऑफ साइड पर स्ट्रोक खेला, गेंद हवा में रहा, वहा फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इस तरह 5वां झटका लगता हुआ हैदरपुरा को, काफी मुश्किलें पैदा होती हुई हैदरपुरा के लिए। ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान में जाती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आधी ओवर खत्म हो चुकी है और आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है हैदरपुरा की। छह ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बनाए हैदरपुरा ने 5 विकेट के नुकसान पर। जो श्रोता देर से आए उनके जानकारी के लिए, सदिकपुर के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए। 134 रनों का जो लक्ष्य रखा था सदिकपुर ने, उसका पीछा करते हुए हैदरपुरा की टीम पूरी दबाव में आ गई और उस दबाव से बाहर नहीं निकल पाई। 47 रन पर आधी टीम पेवलियन वापस लौट चुकी है और उनकी जो आधी ओवर है वो भी खत्म हो चुकी है। काफ़ी यहां से काफ़ी मुश्किल मुकाबला लग रहा है हैदरपुरा के लिए, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जा सकती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कोई बल्लेबाज जम जाता है और 1-2 ओवर अच्छी गिर जाती है तो फिर पासा पलट सकता है। हैदरपुरा टीम्स के स्पॉन्सर है बागे जाफरिया रेसिडेंसी प्लॉट। ये मट्टी बातें करती है, जो नए घर की महक से जुड़ जाए तो रिश्तों को प्यार समझाती है। ये मट्टी बातें करती है। ये
मट्टी बातें करती है। जो हुआ सादिकपुर के बल्लेबाज पहले अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 134 रनों का लक्ष्य रखा और अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सादिकपुर के गेंदबाज और फील्डर आधी टीम को पेवलियन में वापस भेज चुका है। इस बीच ड्रिंक्स के बाद की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का ऑफ स्टंप पर बाहर, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई ये पहला अतिरिक्त रन आता हुआ हैदरपुरा के लिए। आबिद अली दसाड़िया गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पर वहां फील्डर मौजूद, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन। मोहम्मद अली सामना करेंगे दो रन के अपने निजी स्कोर पर, दोनों बल्लेबाज अभी भी आए सेट होना बाकी और फिर से ऑफ साइड पर खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन 50 पूरी होती हुई हैदरपुरा के लिए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है 50 होने में, काफ़ी ओवर खर्च किए और विकेट का भी पतन होता हुआ। अगली गेंद अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। हैदरी एवेंजर्स हैदरपुरा शफिया गेंद मत अलग 85 रन चाहिए बनाने जीतने के लिए। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन सही टाइमिंग नहीं कर पाए, नो बॉल आती हुई एम्पायर के द्वारा फ्री हिट। फ्री हिट देखना है ताहिर अली, ताहिर कितना उसका फायदा उठाते हैं आबिद अली की गेंद का, उठाकर खेलना चाहते थे नहीं टाइमिंग कर पाए। बहुत अच्छी लेन और लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे सदीकपुर, कोई मौका नहीं दे रहा है, कोई छूट नहीं दे रहा है हैदरपुरा के बल्लेबाज को रन बनाने के लिए। 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर आबिद अली की अगली गेंद अच्छी गेंद, बार बार खेलना चाहते थे चाह रहे बल्लेबाज लेकिन उनकी पूरी कोशिश को विफल बनाते हुए सदीकपुर के बल्लेबाज सूझबूझ के साथ लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे, कोई छूट नहीं दे रहे, कोई मौका नहीं दे रहे हैदरपुरा के बल्लेबाज को। अगली गेंद अच्छी गेंद उठाया गेंद हवा में, वहां फील्डर मौजूद गिरते हुए कैच करने की कोशिश लेकिन एक अच्छी कोशिश कही जाएगी, हालांकि कैच लेने में कामयाब नहीं हुए लेकिन एक अच्छी फील्डिंग, ओवर की समाप्ति हुई 7 ओवर के बाद हैदरपुरा का स्कोर 53 लॉस ऑफ 5 विकेट। अगली गेंद अच्छी गेंद खेला मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए, अब एक एक रन से कुछ नहीं होगा हैदरपुरा के लिए। लंबे लंबे छक्के और लंबे लंबे चौके लगाने होंगे इस मैच में वापसी करनी है तो। अगली गेंद अच्छी गेंद सीधा खेला लॉन्ग वन पर, फील्डर मौजूद एक रन के लिए, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक औपचारिकता ही सिर्फ बाकी इस मैच में, कोई
और वाइड बॉल का इशारा इस बीच अंपायर का, हैदरपुरा के लिए धीरे धीरे जो उम्मीद है वो कम होती हुई। सदिकपुर का पलड़ा अभी भारी, अच्छी गेंद खेला स्ट्रोक, ऑफ साइड पर हवा में था लेकिन फील्डर के पहुंच के बाद दो स्पीड फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज दो रन के लिए दौड़ पड़े। इस दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। अगली गेंद मेहराज हुसैन की, लेग स्टंप पर घूमकर खेलना चाहते थे वन साइड पर, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का और एक ओवर थ्रो हुआ, 22 रन के रूप में एक आया और एक अतिरिक्त वाइड अगली गेंद मेहराज हुसैन की उठाकर खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे। 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी निराश किया श्रोताओं को हैदरपुरा के बल्लेबाजों ने, जो बल्लेबाजी देखने के लिए जो श्रोता आए थे, पैसा उनने स्ट्रोक नहीं खेला और न सदिकपुर के गेंदबाजों ने कोई ढील दी या छूट दी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो। साठ रन 5 विकेट के नुकसान पर 135 रनों का तोतिंग लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदरपुरा आधे टीम पेवलियन में वापस लौट चुकी है। इसके बाद 4 ओवर और 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी है। इस मुकाबले के बाद काकोसी और किशोरगढ़ के बीच में मुकाबला होगा। चार गेंदें हुई है 8वें ओवर की। मेहराज हुसैन की अगली गेंद का सामना करेंगे ताहिर, चार सिंगल के साथ 4 रन पर खेलते हुए उठाकर खेला है ऑफ साइड पर, वहां फील्डर मौजूद और फिर से गिरकर कैच लेने की कोशिश की, गेंद 4 रन के लिए। गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गिर गए। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की 8वें ओवर की, ताहिर इस चौके के साथ पहुंचे 8 रन पर। ताहिर सामना करेंगे 8 रन पर मेहराज हुसैन का, फिर से उठाकर खेला है, गेंद अच्छी तरह फील्ड की गई, मिड विकेट से फील्डर दौड़ते हुए आए, बाउंड्री गेंद को रोका, थ्रो किया, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फील्डर मौजूद और
बाउंड्री पार जाते हुए बाहर रोका, एक कैच भी था लेकिन उनको खतरा था कि कहीं कैच लेके बाउंड्री के बाहर न चले जाए, इसलिए उन्होंने फेंक दिया। रन इधर पे, अगली गेंद ऑफ स्लाइड पर स्ट्रोक खेला, टप्पा खाने के बाद गेंद मुड़ गई, वहां फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं चार्म के लिए। भाई पहली गेंद पर कितने रन आए, पहला बॉल पर एक ही रन, एक रन, ठीक से शुक्रिया। आबिद अली की अगली गेंद, फुल टॉस खेला लेकिन इतना सही टाइम नहीं कर पाए, गेंद हवा में रही, एक टप्पा खाने के बाद लॉन्ग रन के फील्डर के पास पहुंची, फील्डर ने फील्ड किया, थ्रो किया एक रन के लिए, 71 रन। अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे, कोई टाइमिंग नहीं हुआ, कोई रन नहीं। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रो में करते हुए, बिना किसी, कोई रन नहीं, 71 रन, 5 विकेट, 5 गेंद हुई आखिरी गेंद इस ओवर की। अगली गेंद ऑन साइड पर घूमकर खेल दिया है 6 रन के लिए, आखिरी गेंद पर छक्का लगता हुआ आबिद अली की गेंद पर, 3 ओवर में उन्होंने 22 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल की। हैदरपुरा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77-77, 9 ओवर खत्म हुई है, सिर्फ 3 ओवर का खेल बाकी है, 3 ओवर में 18 गेंदों में 58 रन। कुरकुरा और चटपटा, खट्टा और मीठा, नमकीन और तीखा, छोटे का बड़े का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, बॉस का, एम्प्लॉय का, तेरा मेरा सबका फेवरेट है आनंद जॉलीज। आनंद जॉलीज, हसन अब्बास अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए हैं, सामना करेंगे मोहम्मद अली, 11 रन बनाकर खेल रहे हैं एक चौके की मदद से, ताहिर 16 पर खेल रहे हैं एक चौका एक छक्के की मदद से, 18 गेंदों में 58 रनों की ज़रूरत है, यानी कि 19 रन प्रति ओवर खेलेंगे तो टाई होगी, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य लगता हुआ हैदरपुरा के लिए, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद फेंकी न जाए। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक लेकिन सीधा फील्डर के पास, अच्छी फील्डिंग, दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका और एक ओवर थ्रो, दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े एक रन के लिए और फिर से ओवर थ्रो, लेकिन सामने से मना किया बल्लेबाज ने, 2 रन, इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79-79, लॉस ऑफ 5 विकेट। हसन अब्बास की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, 80 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। हसन अब्बास की अगली गेंद, सामना करेंगे मोहम्मद अली, टप्पा गिरने के बाद सीधी रहती गेंद आखिरी वक्त पर ऑफ साइड पर खेले लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का मौका
इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हसन अब्बास की अगली गेंद और उठाकर खेल दिया है बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87-87। सतासी रन 5 विकेट के नुकसान पर। छह रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87। ताहिर पहुंचे 22 रन पर, 2 छक्का 1 चौके की मदद से। फिर से खेलने की कोशिश नाकामयाब रहे। काफी आक्रामक खेल खेलना होगा हैदरपुरा को अगर इस मैच में वापसी करनी है तो। हसन अब्बास की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। सभी फील्डर अपने बॉलर का उत्साह बढ़ाते हुए तालियों के साथ उनको बधाया सहलाया। 87 रन 10वें ओवर की आखिरी गेंद, इसके बाद सिर्फ 2 ओवर 12 गेंद का खेल शेष रहेगा। अगली गेंद बोल्ड कर दिया, स्टंप को छोड़कर ऑफ साइड पर आ गए, गेंद सीधी रही, बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। जरूर संपर्क हुआ बॉल और स्टंप का, इस तरह आउट हुए, छठे विकेट का पतन हुआ 87 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद। ऑफलाइन स्पॉन्सर बाउंड्री बोर्ड, अपना मार्ट काकोशी, एमके डिजाइनर सिद्धपुर, ताजदार फैशन काकोशी, दुखी फूड्स काकोशी। जनरल स्पॉन्सर है एंजल ब्रोकिंग वडनगर, पाइनवुड ट्रैवल इंडिया अहमदाबाद, किंग शरबत कठोर, हपीरा हैप्पीनेस, कामरान फैब्रिकेशन वागरोल, माइटी ब्रश सिद्धपुर, कातिब ऑफसेट सिद्धपुर एंड हैदरी एग्रो एंड फूड वागरोल, ऑटो नेशनल सिद्धपुर, सॉरी नेशनल ऑटो सिद्धपुर। 87 रन लॉस ऑफ 5-6 विकेट आफ्टर 10 ओवर। 2 ओवर में 48 रनों का लक्ष्य है, यानी 12-48। हर गेंद पर चौके की जरूरत है हैदरपुरा को जीत के लिए। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं साकिर और बोल्ड कर दिया मोहम्मद अली को 14 के निजी स्कोर पर। काफी निराश करते हुए हैदरपुरा के बल्लेबाज, 7वें विकेट का पतन होता हुआ। कहीं इस मैच में हैदरपुरा कहीं मैच में दिखाई नहीं कहीं कि अगर वो विजय हासिल कर पाएगा। विजय से नजदीक भी गुजरना नहीं हुआ हैदरपुरा को। सदिकपुर हर मरहले में का अच्छा प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी में भी। इस बीच साकिर अली की अगली गेंद, अच्छी गेंद और बोल्ड, और बोल्ड हुए, हैट्रिक पर आ गए साकिर अली। सीधी गेंद, यॉर्कर लाइन गेंद थी, बल्लेबाज खेलने की कोशिश की, नाकामयाब रहे, गेंद सीधी लगी स्टंप के अंदर और यह 8वां विकेट का पतन होता हुआ। हैट्रिक चांस लगा है साकिर अली को। साकिर अली ये मानसिया
ने चौथी सफलता हासिल की। हैट्रिक का चांस दोनों नए बल्लेबाज मोहम्मद हुसैन आए हैं, देखना है हैट्रिक को रोक पाते या नहीं। साकिर अली ऑन हैट्रिक, अगली गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, फुल टॉस गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया, कोई रन नहीं। सतासी रन, अगली गेंद साकिर अली की ऑफ साइड पर खेला है, गेंद एक टप्पा करने के बाद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए। इक्यानवे रन पर आठ विकेट के नुकसान पर मोहम्मद हुसैन चौके से खाता खोलते हुए। साकिर अली की अगली गेंद, सामना करेंगे मोहम्मद हुसैन चार रन के अपने निजी स्कोर पर। अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे नहीं खेल पाए, कोई रन नहीं। आखिरी दो गेंदें बाकी, आखिरी गेंद बाकी, इसके बाद एक ओवर का खेल और जारी। 91 रन 8 विकेट के नुकसान पर काकोशी और किशोरगढ़ के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। अच्छी इस बेजा अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। दोनों बल्लेबाज ने सामने से नॉन स्ट्राइक रन, अब्बास अली ने मना किया, एक रन वहाँ हो सकता था लेकिन उन्होंने मना किया क्योंकि काफ़ी देर से गए हैं, स्ट्राइक पे आए नहीं है और अब मैच में कुछ बचा भी नहीं है। छः गेंदों में 44 रन, यानी हर गेंद पर छक्के लगाते हैं। अगर कोई नो बॉल वाइट बॉल नहीं गिरती है फिर भी हैदरपुरा इस मैच को नहीं जीत सकती। काकोशी के कप्तान और किशोरगढ़ के कप्तान टॉस के लिए फौरन कमेंटर बॉक्स के सामने आए ताकि जल्द से जल्द तीसरा मुकाबला आज का शुरू हो सके। मोहम्मद अली गेंदबाजी करने के लिए आए, अब्बास अली को ऑन साइड पर खेला, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का और 22 के रूप में रन आया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93 रन 93, लॉस ऑफ 8 विकेट। और कोई रन नहीं, और व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर का। मोहम्मद हुसैन बल्लेबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद अली की अगली गेंद। तुम अपडेट ना दिखा बताएंगे, सीधा लॉन्ग ऑन पर खेला, वहाँ फील्डर मौजूद, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95, लॉस ऑफ 8 विकेट। अगली गेंद ऑफ साइड में खेला लेकिन सीधे फील्डर के पास, कोई रन लेने का मौका नहीं। दो गेंद हुई, अगली गेंद अब्बास अली ने खेला मिड विकेट बाउंड्री पर, वहाँ फील्डर मौजूद, एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 96 रन,
8 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे, एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97, एक रन बाकी 97, आखिरी दो गेंदें बाकी। अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे बल्लेबाज, आखिरी वक्त पर बल्ले को नीचे लाए। आखिरी गेंद बाकी, सदिकपुर इस मैच को अपने झोली में डालते हुए आखिरी गेंद। अच्छी गेंद सीधे फील्डर के पास, कोई रन नहीं और मैच खत्म होती हुई। सदिकपुर ने इस मैच को जीत लिया है, 37 रनों से इस मैच को जीत लिया है सदिकपुर ने। सदिकपुर 134 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, हैदरपुरा को 97 रन तक सीमित रखा। इस तरह सदिकपुर ने 37 रनों से मैच को जीत लिया है। रन इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच प्लेयर घोषित किए जा रहे हैं साकिर अली, जिन्होंने साकिर अली जे मानसिया जिन्होंने 4 विकेट हासिल की, 3 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 4 सफलता हासिल की। हसन अली, शब्बीर अली, शेलिया बुरा काकोजी वाला जाओ त्यादी कॉमेंट्री बॉक्स में आवे। हसन अली, शब्बीर अली, शेलिया बुरा काकोसी वाला कमेंट्री बॉक्स में आवे। आ मैच नो मैन ऑफ द मैच हसन अब्बास वजीर अली कड़ीवाल मैन ऑफ द मैच नो एवॉर्ड एनात करशे। साकिर अली जे मानसिया આ મેચના મેન ઓફ ધ મેચ પ્લેયર ઘોષિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમણે 4 વિકેટ લીધી, 3 ઓવરમાં 20 રન ખર્ચ કરીને। હસન અબ્બાસ વજરેલી કડીવાલ જે મેન ઓફ ધ મેચનો ખિતાબ આપશે। मैन ऑफ द मैच साकिर अली, हसन अब्बास वजीर अली कड़ीवाल मैन ऑफ द मैच नो एवॉर्ड आपसे। अच्छी गेंदबाजी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की।